जौनपुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के कोट गांव में शनिवार की रात अज्ञात लोगों द्वारा पट्टे की तालाब में जहर डाल देने से लगभग 2 लाख रुपए कीमत की मछलियों की मौत होने की समाचार जब पट्टे धारक को मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। पट्टे धारक ने घटना की सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दे दिया है। रामपुर थाना क्षेत्र के कोट गांव निवासी रंजीत गिरी गांव में बीते 5 सालों से पट्टे का तालाब आवंटित कराया था, जिसमें मछली पालन करते चले आ रहे हैं। तालाब में काफ़ी मछलियां पाल रखी थी। तालाब की देखरेख गांव के ही रविशंकर गिरी करते हैं, लेकिन रविवार की सुबह जब देखरेख करने वाले रविशंकर तालाब पर पहुंचे तो लाखों रुपए की मछलियां मरी हुई तालाब में उतराई पाई गई। यह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत पट्टे धारक रंजीत गिरी को सूचना दिया। सूचना पर पहुंचे रंजीत गिरी ने तालाब के आसपास देखा तो तालाब के कोने में तालाब में डाली गई जहर का रैपर और डिब्बा फेंका हुआ मिला। इसके बाद तालाब में मर चुकी मछलियों का संदेह लोगों को दूर हो गया और यह पता चल गया कि किसी अज्ञात लोगों ने ही मछलियों के मरने के लिए जहर दिया है। फिलहाल करीब 2 लाख रुपए की लागत की मछलियां मरने से पट्टे धारक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजन बड़े अरमान से मछलियों को पाल रहे थे कि नवरात्र बाद इसकी बाजार में बिक्री कराई जाएगी। इसके पहले ही जहर खुरानों ने मछलियों को मौत के घाट उतार दिया। पट्टे धारक रंजीत गिरी ने स्थानीय थाना पुलिस को घटना की जानकारी दे दिया है। आपका नाम? सिकंदर गिरी। ये मछली पालन किसका था? ये हमारे भाई रविशंकर गिरी, रंजीत गिरी। अच्छा, ये कौन सा गांव है? कोडिया गोसाईपुर। अच्छा, तो क्या हुआ, ये मछलियां जो हैं कौन जहर डाला इसमें? ये श्रीमान जी, देखिए अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अभी तो अज्ञाते में रहेगा। क्लियर होने के बाद जो है कि पुलिस को भी 112 नंबर पर हम सूचना दिए हैं, पुलिस जी, भी आई है जी, और इसका सब वीडियो बना के गए हैं जी, लेकिन ये आपसी रंजिश को जैसे ही बाहरी कोई नहीं, गावेपुर का कोई किया होगा। किसी के ऊपर आपको शंका? अभी ऐसे हम कैसे नाम इकट्ठा करें, कुछ लोगों से बात विवाद हुआ था जी, और लेकिन अभी क्लियर नहीं कर सकते हम जी। हाँ, इसकी छानबीन होगी, क्लियर होने के बाद में तब उससे निपटा जाएगा जी। आपका क्या नाम है? रविशंकर गिरी सर। कौन सा गांव है? कोटिया गोसाईपुर है। अच्छा, ये क्या मामला है मछलियों का? सर, मैं इस तालाब में मछली जो है समथिंग 5 साल से पाल रहा हूँ जी। मैं अधियारा के तौर पे कार्य कर रहा हूँ। यह तालाब किसी और के नाम से आवंटन है। किसके नाम से तालाब है? सर, रंजीत गिरी करवाए हैं जी, और हमें अधिया को दिए, हम उसको पाल रहे हैं। अच्छी तरह से हमारा कारोबार चल रहा था जी। कुछ लोगों के घृणा या घृणाधीश से जो है इसमें डाल दिया गया है। 2 साल का हमारा मछली था जी, उसको मैं नवरात्र बाद निकालने वाला था, और छोटे छोटे बच्चे 1 महीने पहले सरोई से लिया के हम छोड़े हैं जी। हम उसको भी बुला दे रहे हैं, कितने में मैं बच्चा छोड़ा हूँ वही लेके डालता है। हमारे पास 4 तालाब है, ये पहला तालाब है जिसमें इसमें जहर छोड़ा गया है जी, और सारी मछलियाँ हमारी खत्म। लगभग कितने लागत की होंगी मछलियाँ आपकी जो समथिंग जो मरी है सर? इस समय है 1 लाख रुपए के ऊपर की लागत की मछली हमारी मर चुकी मरी है इस समय जी जी। हाँ, 1 लाख प्लस हैं जी, और जो बच्चा छोड़े हैं 18,000 का बच्चा ले आके 1 महीने पहले छोड़े थे, अगर उसका उसको भी बढ़ जाएंगे तो समथिंग 2 के प्लस हो जाएगी जी। हाँ जी सर जी।